हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फूड मेनिया बाय सीखा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने लिया एक बड़ा सा बर्तन, उसमें डालेंगे 1 kg चिकन। इसको मैंने पहले से धोकर रखा था। इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बिरयानी मसाला डाल देंगे इसके अंदर। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम इसे मैरिनेट होने देंगे 15 मिनट तक। ये 3 बड़ा चम्मच हमने लिया बिरयानी मसाला। इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च, इसको हमने बीच से चीर कर रखा है, हरा धनिया, इसको अच्छे से मिला देंगे। अब इसे ढककर हम 15 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम चावल देख लेते हैं। भगोने में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, हमने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। पानी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच देसी घी। इससे चावल खिले खिले बनेंगे। इसी के साथ कुछ गरम मसाला, खड़े गरम मसाले जिसमें की है 2 जावित्री का फूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। इलायचियों को बस हमने हल्का सा हाथों से प्रेस करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे चावल, चावल जिसको कि हमने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। इसे अच्छे से धोने के बाद हम ड्रेनर में छान लेंगे। चावल को हमें पानी में डुबो कर नहीं रखना है। ये देखिए, अब इसमें हम 1 उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ चुका है। चावल को हमें 80% तक कुक करना है। ये देखिए, हमने इसे चेक किया है, ये 80% तक कुक हो चुका है। इसे हम एक जाली में छान लेंगे। इसको हमने छान कर रख लिया है। अब एक पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढककर 3 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि चिकन सॉफ्ट हो जाए। चिकन को हमें जितना कुक करना था वो कुक हो चुका है। अब लेंगे हम बड़ा सा भगोना, जिसमें हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। ये हमने रख दिया पहले चावल, उसके ऊपर डालेंगे चिकन। अब इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे चावल, फिर से ये चिकन की लेयर। उसके बाद डालेंगे उबला हुआ आलू, घी। इसके ऊपर फिर से हम इसे चावल से कवर कर देंगे। ये डालेंगे फ्राइड ऑनियन, थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमने ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर हाफ हाफ भाग में डाल दिया है। इसे हमने दूध के साथ घोल कर रखा था। इसके ऊपर डाल दिया हमने 1 बड़ा चम्मच देसी घी और थोड़ा सा बिरयानी मसाला। गैस की मीडियम फ्लेम पर इसे रखकर हम 5 मिनट तक पकने देंगे। इस पे एक वेट के लिए बर्तन रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से 5 मिनट हो चुका है, बिरयानी बनकर तैयार है। ये देखिए, कितने खिले खिले बिरयानी बनकर तैयार है। इसको अच्छे से मिला देंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। ये फूड कलर का कमाल आप देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरे नए नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।